व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, इसकी लंबाई मैंने 30 इंच ली है और यहाँ से इसका दामन 8 इंच है। हाफ इंच मोड़ने के बाद ये 8 इंच रह जाएगा। यहाँ से इसके शोल्डर जो है फ्रंट की कटिंग है तो यहाँ से 7 इंच है, आर्महोल भी इसके 7 इंच है। यहाँ से 1.5 इंच गले का निशान लगाया है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ले, इसमें कोई पॉकेट नहीं है। इसके ट्राउजर में 2 पॉकेट है तो कभी इसकी सिंपल सा कुर्ता तैयार होगा। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और यहाँ से इसकी चेस्ट जो है वो 7.5 इंच की है। तो लूजिंग लेने के लिए मैंने इसमें 8 इंच लिया है। यहाँ से 7.5 इंच है, यहाँ से 8 इंच है। तो पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। और ये विदाउट सीरे का है और ऊपर से शोल्डर जो डाउन किया है वो इसका मैंने 1.5 इंच का किया है। थोड़ा सा व्यूअर्स को मैं कट करती हूँ क्योंकि हाथ नहीं बैठता। ये व्यूअर्स हाफ इंच इसलिए लिया है कि आधा कपड़ा ओवरलॉक में भी कट जाता है, तो ओवरलॉक में कट जाने की वजह से आधा इंच छोड़ा है कि ओवरलॉक लाजमी है। और इस चौक के ऊपर निशाना बड़े बड़े लगते हैं। ये हो गई फ्रंट की कटिंग, फिर इसका हम बैक कट करेंगे। ये व्यूअर्स बैक की कटिंग हो, फ्रंट की कटिंग हो गई है। मैं बैक का कपड़ा बिछा कर इसके मेजरमेंट करना आप लोगों को बताती हूँ। ये व्यूअर्स यहाँ से ये फ्रंट की कटिंग है, ये बैक की कटिंग है और ये इसके ऊपर इस तरह ओवरलैप होगा। तो यहाँ से 1.5 इंच है, बाकी सेम ये इसी तरह कटिंग होगी इसकी। तो पहले यहाँ से ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ साथ साथ में। थोड़ा सा बाद में अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए बाद में ठीक कर लेना। एक आध इंच एक्स्ट्रा ले लिया करें कि कपड़ा कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा हो जाए प्रेस करने के बाद। तो फिर उसको इक्वल करें तो इसकी लेंथ में कोई कमी ना हो। से आपके साथ इसलिए कट करती हूँ कि नीचे जो कैंची है वो कारपेट में फंसती है। और इसमें जो बैन लगेगा वो 14 इंच का लगेगा। तो व्यूअर्स इसके साथ इस तरह रखने के बाद इसकी कटिंग करके देखिए, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया। तो गला मैं इसमें बाद में कट करूँगी, इसकी बटन पट्टी जो है वो बाद में मैं कट करूँगी। जब इसका फाइनल लुक दिखाने के बाद फिर मैं इसकी बटन पट्टी का स्टिच करना मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सिखाया हुआ है। तो पहले वाली पुरानी जितनी मेरी वीडियो है उसका विजिट करें और देख लें बटन पट्टी वगैरह सिखाना। ये मैंने बिगनर्स के लिए दोबारा इसकी कटिंग करना बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में इसके स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी।